हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत हुई थी किचन के साथ ही, और खाना मैंने बना लिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। तो किचन मेरा सारा साफ़ हो चुका है, उसके बाद मुझे बर्तन करने हैं और बाकी का जो डेली का रूटीन होता है घर का वो सारा ख़त्म करना है। और आज ना मेरा बिल्कुल भी मतलब कि मन नहीं था कि मैं ये सब काम करूं या फिर इस काम करने के बाद अपनी पढ़ाई करूं, क्योंकि आज ना मेरी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। पता नहीं, आज जब मैं सुबह से उठी तो तभी मुझे दर्द सा महसूस हो रहा था, और थोड़ा सा ये था कि कल थकावट हो गई थी मुझे, कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो इस वजह से जो है काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चाहे हम कोई छोटा सा ही फंक्शन घर पर रखें तो उसी से जो है हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो डेली रूटीन होता है वो तो होता ही है, उसके साथ में जो है एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाते हैं। हमने बहुत छोटा सा बर्थडे किया था, बस हमारी नंद रहती है उनको बुलाया था और उनके बच्चे थे और हम थे, बस उसी में जो है थोड़ा सा काम हो ही जाता है, बढ़ जाता है। खाना बनाना, थोड़ी सी तैयारी करनी, तो ये सब चीज़ें अरेंज करनी होती है, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा घूमने फिरने वाला काम जो है ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही मेरा घूमने फिरने वाला काम ज़्यादा होता है तो मुझे इस तरह की जो है शिकायत हो जाती है कि बॉडी पेन करना, पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो आज मेरा बिल्कुल भी ये मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी घर का भी काम करूँ, या मतलब कि काम भी करने का मन नहीं था। पढ़ने की तो फिर बाद की बात थी, लेकिन नहीं, फिर मैंने काम भी किया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी की, क्योंकि सारा काम करने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स महसूस हुआ और उसके बाद जो है मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने भी फिर अपने आप को इसी तरीके से मोटिवेट किया कि नहीं, जो ये दर्द है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हमने दिल में सोच कर रखा है, और अगर हम उसके लिए नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में वो दर्द कितना बड़ा होगा। दर्द ये नहीं होगा कि हमें, देखो ये नहीं होता कि हमें, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का कि हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ एक दिल में अरमान ये रह जाएगा कि हमने कोशिश करके नहीं देखी, काश हम कोशिश कर ले तो क्या पता हो जाता। देखो कोशिश तो सबको करनी चाहिए, हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, थोड़ी अपनी मेहनत होती है, थोड़ा सा भगवान पर विश्वास और अपना भाग्य भी होता है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती है, तभी कोई काम जो है पूरा हो पाता है जो हम कोशिश करते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं। देखो मेहनत करे बिना तो हमारा भाग्य भी साथ नहीं देगा और भगवान भी साथ नहीं देगा, लेकिन अगर हम मेहनत कर लेंगे, हो या ना हो ये तो अलग बात है कि हम किसी काम में जो हमने सोचा था, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें बात की है, लेकिन हमारे मन में मेहनत करने के बाद ये मलाल नहीं रहेगा कि काश हम भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो हमारा भी काम हो जाता। और वैसे भी भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, भाग्य भी बदला जा सकता है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं बदला जा सकता। इन चीज़ों को मैं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ों को भी मानती हूँ कि मेहनत करने के साथ साथ हमारा भाग्य भी तभी चलता है जब हम मेहनत करते हैं, जब ही बदल सकते हैं उसको, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कुछ तो अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जो भी नहीं लगी तो हमारी पढ़ाई बेकार है या हमने जो कुछ भी किया, नहीं, हमारा नॉलेज तो बहुत ज़्यादा गेन होगा, और उस नॉलेज को आप किसी के भी साथ बांट सकते हो, खासकर अपने बच्चों के साथ बांट सकते हो और दूसरों के साथ बांट सकते हो। बड़े होंगे आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो, टाइम से पहले आप उन्हें सिखा सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी बहुत मायने रखती है, यही नहीं कि बस हमें जो है बस जॉब मिल गई तो ठीक, अगर जॉब नहीं मिली तो हमारा पढ़ा लिखा सब कुछ बेकार हो गया, या हमने कोई भी मेहनत करी हमारी वेस्ट गई। देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी किसी भी मोड़ पर कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, मेरा तो ये मानना ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को जो है हम इस काबिल बना पाते हैं कि हाँ हम दो आदमियों में खड़े होकर कोई बात कर सके, किसी को कुछ कह सके किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों को गाइड करेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, उन्हें टाइम से पहले सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, उन्हें बता सकते हैं ये आपके लिए सही है, ये आपको ये करना चाहिए, तो बहुत चीज़ें होती है। तो जी बस यहाँ पर जो है काम करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, सबसे पहले मैंने अपने नोट्स को रिवाइज किया, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ स्पेक्ट्रम। और आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।